यार माइक मुंह अपनी पाएगा आराम करने आराम करने करो मुंह बोलना सामने एक सेकंड भाई एक मिनट भारत माता की जय यार एक मिनट माइक मुंह च ना पाओगे करा दे यार जी जी सर हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हम बीएसएफ सीएसएफ वाले कैंडिडेट्स हैं हमने सर 80-70 नंबर लिए हुए हैं लेकिन सर हमारा मेरिट कितना ज्यादा गया है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सर हमारी एज भी निकल गई है हमने बहुत मेहनत की है सर इस भर्ती के लिए हम 4 साल से रुके हुए हैं इतना हमने इस भर्ती के लिए स्ट्रगल किया है मेहनत की है पढ़ाई की है फिजिकल के लिए इतना किया और सर हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ है हमें एकदम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जैसे हमने कभी कुछ किया ही नहीं सर 80 नंबर लेना मजाक नहीं होता 70 नंबर लेना मजाक नहीं है सर IPS KS हम सबको पता है उनका मेरिट कितना ज़्यादा है सर 10th बेस GD की भर्ती ग्रेजुएशन बेस भी नहीं है GD की भर्ती में अगर हम 80 नंबर 75 नंबर ले रहे हैं सर क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हमें ज्वाइनिंग मिल सके अगर सर हम मेडिकल में री मेडिकल भी हमें मिले या कुछ हम सर एकदम से हमने सारे जितने भी हमारे हर्डल्स थे हमने सारे क्वालिफाई किए हैं और तब जाके सर हम यहाँ पे पहुँचे और समय सर हमें लास्ट में सीधा बोल दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई हो सर ऐसा कैसे हो सकता है सर आप बताइए हर बात इंसान का दिल टूट जाता है सर हम बहुत टूट चुके हैं अंदर से हमने बहुत मेहनत की है हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें हमारी हमें एकदम से लग रहा है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है मन कर रहा है कि खुद को ही ख़त्म कर दे सर मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ एकदम से ऐसा वो आ गया दिल में कि इंसान सोच रहा है हम सोच रहे हैं कि हमने आपको मार ही दे तो वही बेहतर है सर इतनी मेहनत की आज के ज़माने में आज के टाइम पर ज्वाइनिंग नहीं मिलती सर एकदम से हमें जॉब मिल जाएगी पैसा कमाना मुश्किल बात नहीं है सर लेकिन हम आर्मी में जाने का शौक रखते हैं सर आर्मी बचपन से एक ही सपना देखा कि आर्मी में आए आर्मी में जाएं पैसे के लिए सर आर्मी में नहीं जा रहे हैं एक आर्मी का शौक है एक आर्मी की रिस्पेक्ट है हम उस रिस्पेक्ट को सर हम यही चाहते हैं सर हम सरकार से यही चाहते हैं कि जितने मेडिकल फिट कैंडिडेट है सभी को ज्वाइनिंग दी जाए सर बस सभी।